का लगाओ यही तबला पा। अच्छा साथियों, मैं ओम प्रकाश दीवाना अपनी पूरी बिरहा टीम और दीवाना म्यूजिक परिवार सहित अपने सभी श्रोता समाज का हार्दिक अभिनंदन चंदन एवं वंदन करता हूं। आशा करता हूं आशीर्वाद के रूप में अपने अनुज दीवाना को दुलार देंगे तथा दीवाना म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पुनः एक बार स्पेशल धन्यवाद दे रहा हूं सम्राटों के सम्राट, सोशल मीडिया सम्राट, अपने अजीज दोस्त एवं भाई सम्राट मुकेश यादव जी को, जो रात दिन मुझे व्यस्त होने के बाद भी बिरहा गाने को प्रेरित किए। साथ ही साथ आभारी हूं अपने बड़े भैया कवि संतोष यादव, लाल बहादुर यादव, तेज बहादुर यादव, आलोक सागर, उमेश गौतम, स्वामीनाथ यादव, सुनील यादव, कृष्णा यादव तथा अपने शिष्य शिवचरण दीवाना जी का, जो कि हमेशा मुझे आप लोग हौसला देते हैं। मनोरंजन भोजपुरी के डिजिटल हेड अनुज विशाल यादव की उपस्थिति में एक ऐसी घटना प्रस्तुत है जिसे सुनकर मौत भी शर्मसार हो जाएगी। बहन श्रद्धा वाकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिसे प्रेमी आफताब ने 35 टुकड़ा कर दिया। जो विरह आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं, इसका शीर्षक है 35 टुकड़े प्यार के। तो प्यार के ऊपर चार लाइन भूमिका में भाव है। श्रोता समाज से इस भाव पे तवज्जो चाहूंगा। कैसे जीतन बाबू? प्यार पावन सुहावन विमल पाक है, प्यार ही त्याग है, प्यार बलिदान है, प्यार का पहचान है। प्यार लैला व मजनू का देता गवाही, सीमा प्यार में ना जाती धर्म का, प्यार ने प्यार का इस टुकड़ा किया, पूरा फल होता है पूरे कर्म का। बिरहा में बिल्कुल नई नई गजल लगत बा। एक आशिक का कहना है अपनी मासुका के लिए। क्या कहना है उपेंद्र भैया?
अजी तेरी आँखों के दरिया का कि तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ आरजू करते, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। लेकिन बिरह में इस घटना को मद्देनजर रखते हुए ओम प्रकाश दीवाना को मजबूर होकर के लिखना पड़ा मोहब्बत के लिए। मोहब्बत में मोहब्बत ने मोहब्बत में मोहब्बत ने मोहब्बत से ही हारा है। यारो मोहब्बत में मोहब्बत ने मोहब्बत से ही हारा है। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत में ही मारा है। जैसे बिरहा का कहानी नजम में चालू होता, कैसे जीतन हर आशिक मासूका का सच्चा प्यार ना होता, हर आशिक मासूका का सच्चा प्यार ना होता, रोती है कहीं प्रेमिका कहीं प्रेमी रोता। सब कुछ छोड़ देता है कोई प्यार के लिए तो सब कुछ छोड़ देता है, धन के लिए कोई प्यार का दिल तोड़ देता है। कहानी बा कहां के महाराष्ट्र जिला पालघर बसई की हकीकत, महाराष्ट्र जिला पालघर बसई की हकीकत, श्रद्धा का इश्क लाया है नई मुसीबत। विकास वाकर की सुमन वाकर धरनी है, विकास वाकर की सुमन वाकर धरनी है, सीजे बेटा बे
बेटी श्रद्धा की ये करनी है। मास मीडिया में स्नातक डिग्री पाई है, मास मीडिया में स्नातक डिग्री पाई है, कॉल सेंटर में श्रद्धा काम करने आई है। एक पात्र और है, प्रेमी। प्रेमी कहां का रहने वाला था? बसई बेस्ट काया मीन पुना वाला है, बसई बेस्ट काया मीन पुना वाला है, किया अफताब माई बाप का मुंह काला है। पहली मुलाकात, पहली बार कॉल सेंटर में मेल हुआ, पहली बार कॉल सेंटर में मेल हुआ, शुरू अफताब और श्रद्धा का सारा खेल हुआ। बाजो तनिकार हुआ, सबे कहानी समझ ली। महाराष्ट्र में मुंबई, जिसे माया नगरी कहा जाता है, जिला पालघर के बसई के रहने वाले विकास वाकर, पत्नी सुमन वाकर, बड़ी बिटिया श्रद्धा वाकर, बेटा श्रीजय वाकर, जो कोली जाति के हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, यही से पेट का जीविका चलता। बड़ी बिटिया श्रद्धा, जिसकी उम्र मौत के समय 27 साल बताया गया, मास मीडिया में स्नातक करके मलाड में एक मल्टीनेशनल कंपनी में ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती थी। बसई वेस्ट का रहने वाला आमीन, जिनका बड़ा बेटा आफताब बीए करके मैनेजमेंट की पढ़ाई आधा छोड़ दिया है, सैब का काम भी करता था, संजोग से अचानक एक दिन मिलल बा। कैसे मिलल बा, कहां मिलल? मास्टर साहब थरद लग गई। भाई पवन सिंह वाले गीत लग गई। कौन लड़की कहतिया ए यारबू हो, ए संगतिया हो, ए यारबू, अरे काहे पीछा पड़ल बड़ा, आ हमारे पर मरल बड़ा, माठा फूकी पिया ताड़ा दूध से कजरल बड़ा। लड़का कहा था के कर जगबलू हा भगिया गोरी, कहा बुतवलू हा अगिया गोरी, अरे के कर जगबलू हा भगिया गोरी, कहाँ बुतवलू हा अगिया गोरी, तोहरी हरी ओढ़नी तोहरी छूटल कमना बगिया ए गोरी, तोहरी श्रद्धा आफताब को लिख रही है चैटिंग में, अरे जरे ले जवानी राजा, मोहन कैसे मानी राजा, हुस्न वाली आग खोजे प्यार वाला पानी राजा। अरे देवे लगली आशिक के रेटिंग नु हो, करे खातिर फोन रोज वेटिंग नु हो,
वाली आशिक के रेटिंग मुहो आकरे खातिर फोन रोज वेटिंग मुहो तभाईली डेटिंग से सेटिंग होखे लागल चैटिंग ये भाई डुबावेली पगरी झूठ अफताब से करावेली गगरी होई का न जानेली बात पापा के न माने अरे रोज रोज देवेली डेटिंग नु हो आ कापी करवावेली पेंटिंग नु हो तो भाईली डेटिंग से सेटिंग हो खेला गल चैटिंग ये भाई चढ़ा है श्रद्धा की सच्चाई बताना चाहता हूं कि वह प्यार में कितनी अंधी थी। तरज लग गई मास्टर साहब हमारे कैसेट वाली कौनो मरद अपना मेहरारू से कहे सहजाना के बात मानो हमारी सजनिया मुहावा फूलौले बाड़ू काहे बदरनिया अरे काहे खिसी आइल बाड़ू काहे खिसी आइल बाड़ू फिर करवटिया हो फिर करवटिया की दिन में अरे दिन में करई बपिया कटिया रतिया नहीं ली नहीं खटिया हाई बिरहा का भाव हो तिरहा का सच्चाई बतावे जाते ही अरे अलग अलग जात बाटे अलग धारा मावा अश्रद्धा अफताब भरे प्यार के फारा मावा अरे कुल खानदान में कुल खानदान मेला लगली दगिया लागवे लगली दगिया तो लागल जब हवस वाली अगिया श्रद्धावा कर बन गईली बगिया और अदर धर्म का लड़का है प्यार मत करो कहलो सपने पापा से 2019 में विकास वाकर से मैं 25 साल की हो गई हूं अपना फैसला खुद कर सकती हूं जब इतनी बतिया कहलस आ कह के कैलस का भाव लिखत हो कवि जी
अरे उन्नीस में घर से निकल गईली हो सुन श्रद्धाया फुताबू के परमानेंट भैली हो लिव इन रिलेशन चालू बा रात दिन मलाई खाते भालू बा रात अरे कली संगे आली तब कली संगे आली तब सुखावे लगल बगिया की लागल जब हवस वाली अगिया श्रद्धावा कर बन गईली बगिया करके श्रद्धावा कर मलाड में एक कमरा लेकर के आफताब के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगती है। लिव इन रिलेशन का मतलब जानत हो उदय भैया हमारे भोजपुरी में का कहल जाला कोई कर रखैल बन के बिना शादी बिना विवाह बिना कोर्ट मैरिज आफताब के साथ एक कमरे में रहने लगी। यहाँ तक कि बताया गया 2020 में माँ का निधन भी हुआ उस मौत में शामिल हुई फिर भी पिता समझाए अदर धर्म का लड़का है मत रहो संबंध में लेकिन वह मानने वाली कहाँ थी। धीरे धीरे समय गुजरता रहा लोगों ने बताया कि बीच बीच में दोनों के बीच में झगड़ा भी होता रहा शादी को लेकर के बाकी पैसे शादी को लेकर के बाकी पैसों के हिसाब को लेकर के आखिरकार वह दिल्ली चला कब क्या मूड बना करके चला तब बिरहा में भाव चेंज होता जीतन जब मुंबई से कातिल ले ख्वाब चल दिया जब मुंबई से कातिल ले ख्वाब चल दिया श्रद्धा के साथ दिल्ली आफताब चल दिया के आए ट्रेन से सफर खाना मई होटल में बिताए रात भर इतना ही नहीं मई 10 और 11 बिताए दोस्त घर 12 मई को फ्लैट लिए हैं किराए पर तो ले 3 साल का तब अरे हिसाब चला है ले 3 साल का तब हिसाब चला है श्रद्धा के साथ दिल्ली आफताब चला है ले 3 साल का तब हिसाब चला है श्रद्धा के साथ मेहरौली इलाके के छतरपुर के पहाड़ी साइड में एक फ्लैट लिया है DL 93। पड़ोसियों के बयान के मुताबिक श्रद्धा और आफताब फ्लैट में रोज लड़ते थे। आखिर श्रद्धा क्यों मरी कैसे मरी लड़ाई किस बात पे हुई भाई खेसारी लाल यादव जी वाली गीत लगत बा।
शिकायत अपना दुल्हा से हो। अरे जाले पिया जवानी हमर जा रही है गैलाना, एगो नचनिए कारण, एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गैलाना। लेकिन बिरहवा में भाव हो, खैला पियाला खातिर हो, खाली शादी खातिर कहल चुके काल भइल ना। न्यूज पेपर के द्वारा यह भी जानकारी मिली कि वह लड़की अर्थात श्रद्धा वाकर धूम्रपान भी करती थी। आशिक और मासुका मिल करके शाम को खा पी करके अचानक इस बात पे लड़ गए, क्योंकि आफ्ताब किसी लड़की से बात करता था, यह श्रद्धा को बिल्कुल नागवार गुजरा। श्रद्धा जो वही अपने शादी की बात करती है, दोनों प्रेमी प्रेमिका आपस में लड़ गए। तो प्रेमिका के पापी आधी रात ही हमें मारे पटकी फर्श पर लथारे, अरे हवसी के लागल नाचे मऊवत का पारे, नाचे मऊवत का पारे, खाली शादी के कहल कह जीव के काल भइल ना। जब सीना पे चढ़ाया ताप तो किया क्या? जीतन बाबू विदेशिया में भाव बतनी बढ़ जा। बनल सी करिया बा प्रेम के पुजरिया हो, अरे प्रेमिका के प्रेमी बनल गरवा के फांसिया, लाख तड़ फड़ाली बाकी अरे दाबे नटैया हो, टूटे लागल दाम बरसे आँखिया से आसिया, कि दिलावा में दाया नहीं ए बाबू आइल मुदैया के,
कुछ पल में टूटी गईली श्रद्धा के सासिया, तो करे पछतावा नहीं अपने कर्मवा पे, खींची बा थारू मामा में कईले बालसिया। इतना करने के बाद साबूत मिटाने के लिए आफ्ताब क्या प्लान बनाया है? दोहा लगत मास्टर। तीन सौ लीटर का फ्रिज खरीदा तैयार खरीदारी, अरे बोटी बोटी करने का पापी है किया तैयारी। अठारह मई की रात किसी तरह गुजरी है। 19 को लोकल के मार्केट में कीर्ति शॉप से 300 लीटर का डबल डोर वाला फ्रिज खरीदा, बगल के ही दुकान से आरी खरीदा। घर आने के बाद 19 मई को किया क्या, सुनकर आप लोगों का कलेजा दहल जाएगा। तनिए जब भाव बदला था जीतन, एगो गीत गौले रही रे वो लोग बड़ी पसंद के लिए, अखिया के झूलुआ झूलई हा जानिए जान। लेकिन आफ्ताब का करत बा श्रद्धा साथे कि जैसे शिकार काटे ठीहा पर शिकारिया हो, ए बाबू हो काटे वही से श्रद्धा के शरीरिया पपिया हो, कि बोटी बोटी कोई के फी रिजवा मेरा खेला गल, ए बाबू हो कि रोजे रोजे चलावे लागल अरिया पपिया हो। कितना दिन में अपनी प्रेमिका के लाश टुकड़ा टुकड़ा कैलस, जौना से अपन दिल के बात शेयर कैलस, जौना प्रेमिका के बात सुनलस, जौना साथे रात गुजरलस, जौना साथे रिलेशन में रहलस, कि दो दिन में कोई लेबा 35 टुकड़ावा हो, ये भैया हो नीचे रखलस धड़ ऊपर मुड़िया भैया हो,
फ्रिज में नीचे शरीर रख दिया और ऊपर वाले भाग में मूड़ी रखा था। बताया गया वो 1920 को लाश का टुकड़ा किया, सर्वप्रथम उस टुकड़े को फेंका जो टुकड़ा बहुत जल्द सड़ने वाला था। जब एक प्रेमी ने 35 टुकड़ा अपने प्रेमिका का किया है, ओम प्रकाश दीवाना की कलम बिलख पड़ी और कुछ बात बोल गई। अरे टुकड़ा 35 जब प्यार का किया, फ्रिज के अंदर रख कर रोज निहारे मुखड़ा। अरे हवसी भेड़िया भूखा जिस्मों का बस प्यार जिस्म से करता था, रखेल बनाकर श्रद्धा को वह और किसी पे मरता था। मेहरौली के जंगल में तब 20 दिन में टुकड़ा फेंका है। 2 बजे रात को जाता था, क्यों नहीं किसी ने देखा है। हाइड्रोक्लोरीन से फर्श धुले हर साक्ष मिटाने के खातिर, बदबू न आए टुकड़े से नीचे ऊपर करता शातिर। नीचे से ऊपर फ्रिज में टुकड़ों को करता था ताकि टुकड़ों में सड़न पैदा ना हो, नहीं टुकड़ों से बदबू आए। बाहर ना कोई जान सके। अगर बत्ती रोज जलाता था, अरे कर बंद डोर वह रूम सदा रूम फ्रेशनर से महकाता था। रूम फ्रेशनर छिड़के सेंट समझाता रहा लोग। उस 20 दिन के अंदर में अय्यास तो था ही, यह लाइन क्लियर करेगी, न्यूज वाले भाइयों ने बताया। उस 20 दिन के अंदर में लड़की एक घर में लाया है, अपनी प्रेमिका की लाशों पर उसके संग रात बिताया है। कैसा आशिक था, गर्मी का महीना था, फ्रिज में खाना भी रखता था, पानी भी रखता था, उसी फ्रिज का खाना खाता था, उसी फ्रिज का पानी पीता था। अरे निर्मम निर्भय निर्दयी निडर एक बहसी शौक से जीता था। लाश को ठिकाना लगाने के बाद किसी को मौत का शक न हो, इसलिए वह करता क्या था कि अरे मारा लो के बाद तो खेल खेले दरिंदा। अरे सोशल मीडिया पे राखे श्रद्धा के जिंदा, क्रेडिट कार्ड के भरत रहे बिल हो, इंस्टा पे चैट हो के बने नारील हो। आखिरी ट्रांजैक्शन 26 मई को 54,000 उसके खाते से निकाला था और क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरा था। इंस्टा पे चैट भी करता था लेकिन श्रद्धा नहीं थी तो फिर रील कौन डाले। आखिर हुआ क्या, अपने बुनल जाल में फसल बात दरिंदा, सोशल मीडिया पे रखे श्रद्धा के जिंदा। वह घड़ी भी आ गई जब सातिर बदमाश और खौफनाक हत्यारे का सारा पर्दाफाश हुआ। आखिर 6 महीना बाद घटना की जानकारी लोगों के बीच में आई कैसे, उस खौफनाक दरिंदा का सारा चाल नाकाम कैसे हुआ। भाव बदलिए मास्टर। सोशल अकाउंट अरे बंद भइल जा
अब जुलाई में आइल अगस्त तक न मैसेज रिप्लाई में। अरे त कॉमन फ्रेंड से मिलल बा खबरिया भैया हो, लक्ष्मण श्री जय के बता। सोशल अकाउंट पे जब कोई रिप्लाई नहीं आता था, श्रद्धा का दोस्त लक्ष्मण कॉमन दोस्तों से पता किया श्रद्धा से बात नहीं हो पा रही है। जब उसे पता चला कि श्रद्धा से किसी से बात नहीं हो रही है, तो उसने श्रद्धा के छोटे भाई श्रीजय को फोन किया, सारी बात बताया, श्रद्धा से बात नहीं हो पा रही है। तो श्रीजय ने अपने पिता विकास वाकर को फोन किया है, पापा से श्रीजय सारी बतिया बतावले, आ तूलिंग में विकास तब रिपोर्ट लिखवा वाले। अरे मेहरौली में रेफर भइल केसिया भैया हो, पुलिस खोजे घबरा। बसई इलाके का पुलिस स्टेशन तुलिंग में जब रिपोर्ट लिखवाए हैं, आए हैं जब उ केसिया रेफर भइल दिल्ली के मेहरौली थाने में, तौनी समय का भाव हो। और जब की दिल्ली पुलिस चढ़ावलस, ए बाबू सर्विलांस पर नंबर के, आ गिरफ्तार अफताब भइल बा फ्लैट से 12 नवंबर के। फ्लैट से 12 नवंबर को पुलिस गिरफ्तार करती है, पूछने पे वह कर क्या रहा था, पहले कैलस टाल मटोल, अरे तब पुलिस बजावे डंडा हो। पुलिस वालों ने अपना हाथ दिखाया तो आ डंडा पड़ते फूट गईल बा, अरे हत्या वाला भंडा हो। कि भइल रिमांड बा 5 दिवस के, अरे राज आवाज बयंदर के, आ गिरफ्तार अफताब भइल बा, अरे फ्लैट से 12 नवंबर के। जब खबर मिली गोदी मीडिया को, तो पहपट में भाव देना पड़ा। 2 लाइन गोदी मीडिया के लिए ओम प्रकाश दीवाना का कहना है। अरे मीडिया के बा मिलल नया मसाला हाला मचलबा, चले डिबेट में हिंदू मुस्लिम भाला हाला मचलबा। चालू हो गया मीडिया में जो हर बार हिंदू मुस्लिम को लेकर के होता है, तो ओम प्रकाश दीवाना लिखता है, अरे इज्जत लुटेरा हत्यारा के, होला ना धर्म जात हो, अधर्म जाति पर राजनीति बा, बड़ी शर्म के बात हो। ए गुड्डू भैया, अरे हत्या रेप पर कही अलागी ताला हाला मचलबा, भारतवासिन के ना कुछ बुझाला हाला मचलबा। मीडिया पे धर्म के नाम पे शोरगुल मचाने वालों और देश में आग लगाने वालों की आफ्ताब इस्लाम को मानने वाला है, तो फिर ओम प्रकाश दीवाना का सवाल है, जो सनातन धर्म के बड़े बड़े धर्म गुरु थे उनके लिए मेरा क्वेश्चन है, धर्म के नाम का ऊंचा कैले राम रहीम वाला साराम, अरे लूट गई फूलन जब तब
कौन जाति के रहे काम, अरे दलित मनीषा जली हवस की ज्वाला हाला मचल बा, अधर्म जाति बनल विनाश के प्याला हाला मचल बा। धर्म जात के नाम पे लड़ने वालों फूलन को लूटने वाले कौन थे? धर्म जात के नाम पे लड़ने वालों मनीषा की आबरू लूटने वाले कौन थे? माई बेटा मिलके कैले 22 टुकड़ा लाश हो, आ मीडिया के ना आवे भैया ए घटना पे सांस हो, गिरफ्तार पूनम दीपक मतवाला हाला मचल बा, भइल बा गोदी मीडिया के अरे मुह काला हाला मचल बा। 28 नवंबर, अब ये हाल की घटना है, 28 नवंबर 2022 को पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर की ताजा खबर है। पति के शव के 22 टुकड़े करने के जुर्म में पत्नी पूनम और बेटा दीपक को गिरफ्तार किया गया। इस घटना पे एक गोदी मीडिया अब 15-20 दिन तक डिबेट नहीं करेगी, हल्ला नहीं मचाएगी, क्योंकि इस घटना में हिंदू और मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। देश को केवल हिंदू और मुस्लिम में बांटना है। खैर, अब आल्हा में बिरहा का आगे का भाव लगल। अरे धन्य बाटे प्यार धन्य मर्डर के कहानिया बाबू, अरे बहिन ले ठोस ना साबूत लगल हाथ, पे भारी आप तब के बयानवा पंचो, आज समझ में न आवे करे इंग्लिश में बात, मीडिया वालों ने बताया आफ्ताब के बयान को समझने के लिए इंग्लिश ट्रांसलेटर को बुलाया गया। बाहर दिल्ली पुलिस, साबूत के नाम पे क्या मिला है? 13 ठो हड्डी हाथे, अरे लागल जो बड़ा खोपड़ी भैया, अरे डीएनए के मैच होई पापा के साथ, नार्को पालीग्राम टेस्ट से मिलल कुछ बयानवा बाबू, श्रद्धा के मौत के साबूत अपर्याप्त, नार्को टेस्ट और पालीग्राम टेस्ट करने के बाद दिए हुए आफ्ताब के बयान से कुछ बयान मैच कर रहा है, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है। सदर लग गई कि काहे नहीं होला सार्वजनिक कोइल बाती, अरे जवाना फताब दी हलक पुलिस के साफ साफ होखे नहीं मौत के कराना, का सच्चाई कोई पावे नहीं जा। अभी तक आफ्ताब का बयान मीडिया पे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या बोला क्या नहीं बोला कि 2020 वाला श्रद्धा के लेटारावा, अरे धमकी आफ्ताब दिया ले पारा। 2020 में 23 नवंबर को एक लेटर लिखी थी मुंबई पुलिस को कि आफ्ताब से जान को खतरा है, वह मारने की धमकी देता है, बोटी बोटी करने की धमकी देता है।
तो फिर ओम प्रकाश दीवाना उस श्रद्धा से एक सवाल करता है, कवन स्वार्थ में श्रद्धा सथवानी भव, अरे कहे नहीं शादी कैली पूछे ला जहां। इतना खतरा था तो 3 साल बिना शादी किए रिलेशन में क्यों थी, कोर्ट मैरिज कर लेना चाहिए था। खैर जो भी हो, एक बात ओम प्रकाश दीवाना भी कहता है उस हत्यारे के लिए, अगर वाकई वह दोषी करार होता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए। अरे 35 के बदले होके 70 टुकड़ा, अरे लसिया के केहू ना पावे पाचा। एक क्वेश्चन मार्क लगता है इस पूरे केस में, दिल्ली पुलिस विफल साबित हो रही है किस बात को लेकर। अरे खाली कबूल नामा या फताब के न रोहित, अरे साबित नहीं होइत कि कैलस गुनाह बोलो। बिना शादी किए आज की जो बहन बेटियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशन में रहती हैं, उनके लिए ओम प्रकाश दीवाना का एक संदेश है। क्या मैसेज है? कि लिव इन रिलेशन में जे अरे रहे बिना शादी, अरे अपने से अपन तो अपने से अपन, अरे वो करे बारा दादी हो अपने से अपन। चाहे बहन बेटी किसी के भी घर की हो, एक लाइन दिल में उतार लेंगी, अगर बनावे के बा जेके जीवन साथ, कोर्ट मैरिज या शादी कई के सौंप जथा, अरे बिना पक्का रिश्ता के जे चाही आजादी। इतना ना खाली दोषी लड़का नहीं खाऊ उपेंद्र भैया, कहीं कहीं लेकिन कभी दोष बा, वो दोष काहे बा। साचे बात कहीं कहीं देखल जाता भाई, कुछ लड़की तो रुपया खात देली लाज गवाई, अरे दागी भैली बा खाकी वर्दी कि राजनेता के खादी। अरे अपने से अपन तो अपने से अपन, उकोरे बारबादी हो अपने से अपन। बोध छत्रपति साहू फूले कबीरदास रविदास, बाबा साहब ललई यादव संविधान विश्वास, टुकड़ा 35 जब प्यार का किया
सुरेंदर दीवाना परदास ना।